तो हवे आपणे मूळना रूपांतरणोनी वात करीए। मूळना रूपांतरणो, मूळना रूपांतरणों तो शू मूळना केवा केवा रूपांतरणों जोवा मळे एनी चर्चा आपणे करीए। तो पहला तो मूळ जे छे एनुं मुख्य कार्य शू छे, तो कि मूळनुं मुख्य कार्य छे पाणीनुं शोषण करवुं, खनिज द्रव्योनुं शोषण करवुं, वनस्पतिना अन्य भागो छे एने आधार आपवो। त्यार पछी अमुक वखत ए खोराक छे एनो संग्रह करशे, अमुक वखत ए शुं करे छे तो कि प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स एटले के पीजीआर ए पण उत्पन्न करे। पण अमुक वखत शुं थाय तो कि मूळ छे ए पोताना आकार अने रचनामां फेरफार करे। शुं करे छे? मूळ पोताना आकार अने रचनामां फेरफार करीने शुं करशे तो कि शोषण अथवा तो एवं लखीए पाणी अने द्रव्योनुं शोषण, पाणी अने द्रव्योना शोषण सिवायनुं कार्य करवा माटे रूपांतरित थाय छे। एटले के शुं थाय तो कि मूळ पोताना आकारमा फेरफार करशे, पोतानी रचनामां फेरफार करशे अने जे एने मुख्य काम छे पाणी अने द्रव्योनुं शोषण करवुं ई सिवायना अमुक काम करवा माटे ए पोतानी अंदर शुं आवशे? फेरफारो लावशे, एटले के पोते रूपांतरित थशे। केवा केवा काम करवा माटे ए रूपांतरित थाय तो कि मूळ खोराक संग्रह, पछी आधार श्वसन अने पोषण माटे रूपांतरण दर्शावे छे। तो टेक्स्टबुक में तमने त्रण वस्तु ज आपेली छे, एक तो खोराक संग्रह माटेना रूपांतरण आप्या छे, आधार माटेनुं आपेलुं छे अने श्वसन माटेनुं आपेलुं छे। एक आपणे अहींया आगळ एक वधारानुं पण रूपांतरण भणशुं, पोषण। खाली आटला ज नथी, आना करતાં पण वधारे रूपांतरणो होय, पण जेमांथी प्रश्न आववानी शक्यताओ वधारे होय एटले अने प्लस एनसीईआरटी बेस्ड आपणे भણીએ છીએ એટલા માટે ખોરાક સંગ્રહ, આધાર અને શ્વસન તો આપણે ભણશું, પણ અમુક વખત અમરવેલનું ઉદાહરણ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં કંઈક ને કંઈક એકાદા ચેપ્ટરની અંદર આપેલું છે, એટલે આપણે પોષણ પણ અહીંયા આગળ ભણશું। તો હવે ખોરાક સંગ્રહ માટે અને આધાર માટે કે શ્વસન માટે કે પોષણ માટે કેવા કેવા મૂળ રૂપાંતરણ ધરાવે, તો હમણાં આપણે જોયું હતું મૂળ તંત્ર જે છે એના પ્રકારો જોયા। तो मुख्य मूलतंत्र है एना प्रकार आपणे जोया था, एक तो सोटीमय मूलतंत्र, तंतुमय मूलतंत्र अने अस्थानिक मूलतंत्र। तो एमां आपणे पहला फरीथी मूळ जे छे मूलतंत्रना प्रकार अने एमांथी कयो भाग रूपांतरण कया कया रूपांतरण दर्शावी आपणे जोईए। तो मूलतंत्र अने एना प्रकार आपणे जोया था, एक हतुं सोटीमय मूलतंत्र अने बीजू हतुं अस्थानिक मूलतंत्र। अस्थानिक मूलतंत्र तो हवे सोटीमय मूलतंत्रना केवा केवा रूपांतरण छे ई अने अस्थानिक मूलतंत्रना केवा केवा रूपांतरणो छे ई आपणे जोईए। तो सोटीमय मूलतंत्र छे एमां मुख्यत्वे खोराक संग्रह माटेना रूपांतरण होय छे। खोराक संग्रह माटे, खोराक संग्रह माटे तो खोराक संग्रह माटे कया रूपांतरण हशे अने बीजू ई सेना माटे एक रूपांतरण दर्शावे छे तो के श्वसन माटे। तो बे वस्तु माटे ई रूपांतरण दर्शावे, एक तो खोराक संग्रह ए करे छे सोटीमय मूलतंत्र अने अमुक वनस्पतिओनी अंदर श्वसननुं पण काम करे। तो आपणे जोईए खोराक संग्रह माटे केवा केवा आनी अंदर मूळ जोवा मळे, तो एमां आपणे पहेलुं लखीए जे गाजर होय, बरोबर। तो गाजर शुं छे? ए भूमिगत मूळ छे अने एनी अंदर खोराकनो संग्रह थाय, पण एनो आकार केवो होय? शंकु आकार मूळ। बराबर। तो ई आकार मूळनो केवो हशे शंकु आकार एटले के खोराकनो संग्रह शंकु आकारे करशे। केवी रीते करे ई आपणे आगळ जोशुं। एना उदाहरणमां आपणे शुं याद राखशुं? गाजर। पछी बीजुं ई शुं करे छे तो के मूळो जे छे तो मूळो पण शुं छे एक प्रकारनुं भूमिगत भाग ज छे एटले के ए मूळ जे छे ई भूमिगत मूळ ज छे पण सोटीमय मूळ ज छे अने एनी अंदर खोराकनो संग्रह थशे पण एनो आकार शंकु नो होय। एनो आकार केवो होय? ત્રાંક आकार। ત્રાંક आकार मूळ एटले के ત્રાંક आकारनुं मूळ एमां खोराकनो संग्रह थाय। अने त्रीजुं जे छे ए छे भ्रमराकार मूळ एटले के भमरडा जेवो आकार धरावतुं होय एवुं मूळ। तो ए आपणे सलगम एटले के बीट छे एमां जोवा मळशे। तो आ खोराक संग्रह थई गयो। पछी श्वसन माटे केवो मूळ जोवा मळे तो आमां एक ज उदाहरण आपणे भणवानुं छे। श्वसन माटे राइजोफोरा वनस्पति अथवा तो आपणे मूळनुं नाम ज लखीए खाली उदाहरण साथे पछी समजीए। मूळ जे छे ए कयुं आवशे? श्वसन मूळ। तो आम श्वसन मूळ जे छे ए आ श्वास माटे आवेला होय एनी आपणे वात करशुं। त्यार पछी अस्थानिक मूळ छे एना रूपांतरणो शेना माटे हशे तो अस्थानिक मूळना रूपांतरणो एमां एक खोराक संग्रह माटे हशे। खोराक संग्रह माटे त्यार पछी एमां आधार माटेना पण रूपांतरणो जोवा मळे। आधार माटे अने पोषण माटे पण रूपांतरण जोवा मळे। पोषण माटे तो खोराक संग्रह माटे अहींया आगळ अस्थानिक मूळनुं एक उदाहरण आपणे जोवानुं छे जे शेमां जोवा मळशे। ई मूळने कहेवामां आवे साकंद अस्थानिक मूळ अने आवुं शेमां जोवा मळे? शक्करियामां जोवा मळे। जो के तमने खाली एवुं ज कीधेलुं छे के शक्करियानी अंदर अस्थानिक मूळमां खोराकनो संग्रह थाय पण केवी रीते थाय आपणे अहींया भणशुं। त्यार पछी आधार माटे जोईए तो आधार माटे आपणने बे प्रकारना मूळ आपेला छे। आधार माटे बे प्रकारना मूळ आपणने आपेला छे। एक आपेलुं छे आपणने स्तंभ मूळ अने बीजुं आपणने आपेलुं छे अवलंबन मूळ। तो स्तंभ मूळ अने अवलंबन मूळ अने पोषण माटे तो पोषण माटे आपणे अहींया आगळ एक उदाहरण आपणे भणवाना छीए। ई मूळनो प्रकार छे चूषक मूळ। चूषक मूळ अथवा तो चूषक मूळ अथवा तो एने कहेवामां आवे परोपजीवी मूळ। चूषक मूळ अथवा तो परोपजीवी मूळ। ओके तो आटली आपणे रचना जोवानी छे। तो हवे सौ प्रथम आपणे वात करशुं सोटीमय मूलतंत्र अने एनी अंदर ए खोराक संग्रह माटेना रूपांतरण। ओके अहींया आगळ एक मिनिट आपणे जे आधार माटे जे आपेलुं छे आधार माटे एनी अंदर स्तंभ मूळ अने अवलंबन मूळ आपणे टेक्स्टबुकमां आपेला छे अने एक त्रीजो प्रकार छे ई पण आपणे अहींया चर्चा करशुं एना विशे। जे टेक्स्टबुक में आपने आपेलू नथी। त्रीजो प्रकार अवरोही अथवा तो सॉरी आरोही मूळ। आरोही मूळ तो बधायमां उदाहरण आपणे लखी नाखीए शेमां केवा केवा मूळ जोवा मळे। तो पहेला ते सोटीमय मूळतंत्र एमां खोराक संग्रह माटे शंकु आकारनो मूळ छे ई शेमां जोवा मळे? गाजरमां। पछी ત્રાંક આકારનું મૂળ છે એ શેમાં જોવા મળે? તો કે મૂળો। ભ્રમર આકાર જે છે એ શેમાં જોવા મળે? તો કે સલગમ અથવા એને જ કહેવામાં આવે બીટ અને ઇંગ્લિશમાં તમને કાઉન્સમાં ટર્નિપ એવું શબ્દ આપેલો છે તો ત્રણેય નામ યાદ રાખવા। પછી શ્વસન મૂળ જે છે એ શેમાં જોવા મળે? तो राइजोफोरा वनस्पति अथवा तो मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव प्रकारनी वनस्पतिओ। पछी साकंद अस्थानिक मूल तो आवुं शेमां जोवा मळशे? शक्करिया। पछी स्तंभ मूल शेमां जोवा मळे? तो स्तंभ मूल आधार माटेनुं छे, ई पण अस्थानिक मूल छे, आवुं तमने जोवा मळे वडनी अंदर। पछी अवलंबन मूल शेमां जोवा मळे? तो के ई एकदळी वनस्पतिओ होय एमां जोवा मळे। दाखला तरीके शेरडी, मकाई, केवड़ो आनी अंदर जोवा मळे। पछी आरोही मूल, आ तमने आपेलू नथी पण आवुं शेमां जोवा मळशे? तो के काळा मरी जे होय, काळा मरी अथवा तो बीजू शेमां? काळा मरी, मळी नहीं मरी। अने बीजू शेमां जोवा मळशे? तो के जे मनी प्लांट होय, बरोबर, अडूनी वेल जेने कहेवामां आवे, धनवेल पण कहेवाय, के जे आपड़ा घरनी अंदर जो बहु वधी जाए अथवा तो जो बहु सारी विकास पामे तो आपणे आगळ पैसा बहु आवे। एवुं साचुं छे के नहीं खबर नहीं, पण एमां आवो आधार आपणने आ आरोही मूळ प्रकारनी रचना जोवा मळे। तो एने आपणे शुं कहीशुं? मनी प्लांट, मनी प्लांट अथवा तो अडूनी वेल एने कहेवामां आवे। पछी चूषक मूळ प्रकारनुं एटले के पोषण माटेनुं अस्थानिक मूळनुं रूपांतरण तो एमां शुं आवशे? एनी अंदर अमरवेल अथवा तो वांदो नामनी वनस्पति। वांदो ई वेल प्रकारनी एक वनस्पति छे, एमां आवुं जोवा मळे। जो वंदो नथी हो, वंदो एटले संधिपाद समुदायमां कीटक वर्गनी अंदर आवतुं प्राणी के जेनाथी आपणे बीए अने जेने आपणे तरत जोईए एटले सीधुं आपणा पगमांथी पेरागोन निकळे अने एना उपर पडे, ई वंदानी वात नथी। अहींया कोनी वात छे? वांदो। वांदो छे ई वनस्पतिनुं नाम छे अने वंदो प्राणीनुं नाम छे, तो अहींया कन्फ्यूज थवानुं नथी, वांदो लख्युं छे। हवे एक एक उदाहरण समझीए। दाखला तरीके खोराक संग्रह माटे सोटीमय मूलतंत्रनुं रूपांतरण तो एमां पेलुं जे छे ई शंकु आकारनी रचना बने एटले के गाजरनी अंदर एवुं जोवा मळे। तो एमां शुं होय? दाखला तरीके पहेला जमीननी सपाटी आपणे बनावीए। आ शुं बनावी? जमीननी सपाटी। अने एनी अंदर ज्यारे मूळनो विकास थाय तो जमीननी अंदर विकास थशे एटले अहींया शुं बने? मूळ जे छे एनो आकार आवो शंकु जेवो थई जाय एटले के उपरथी पोळो अने नीचेथी केवो भाग होय? सांकड़ो भाग होय। हवे आ हुं लखती नथी, तमारे याद राखवानुं छे के उपरथी पोळो होय अथवा तो उपरथी फूलेलो भाग अने नीचेथी केवो हशे? तल विस्तारथी केवो हशे? ई सांकड़ो भाग होय। एटले के ई शंकु आकार बनावे। शंकु आकारे खोराकनो संग्रह जे छे ई शेमां थशे? गाजरनी अंदर थाय। अने उपर तरफ शुं होय एना? जमीननी बहारनी तरफ प्रकांड होय अने ए प्रकांडनी साथे जो के आवा गाजरनो पर्ण आवा न होय आपणे समजवा माटे खाली आवा पर्णों बनाव्या छे, बरोबर। तो आपणे तो समजवानुं पर्ण उपर ध्यान नथी आपवानुं, अहींया मूळ भणीए छीए एटले शेना उपर ध्यान आपवानुं? जे मूळ उपर। तो मूळ जे छे आमां केवा हशे? शंकु आकारनो हशे अने खोराक संग्रह शंकु आकारे थतो होय। एटले गाजरनी अंदर खोराक संग्रह माटेना रूपांतरण आपणने जोवा मळशे। अने ई शुं छे याद राखवानुं छे। जो प्रश्न एवो न पूछाय के गाजर जे छे ई शुं छे, तो के खोराक संग्रह करतुं होय एवुं मूळ, आवुं न पूछाय। आमां पूछाय शुं? गाजरनी अंदर खोराक संग्रह थाय छे तो ई केवा प्रकारनुं मूळतंत्र छे? तो सोटीमय अथवा केवा प्रकारना मूळतंत्रनुं रूपांतरण छे? तो सोटीमय मूळतंत्रनुं रूपांतरण छे। त्यां तमने लख्युं होय सोटीमय मूळतंत्र, अस्थानिक मूळतंत्र, तंतुमय मूळतंत्र अथवा तो अन्य कोईपण आमांथी नाम आपी दीधेला होय। तो ई शुं छे? सोटीमय मूळतंत्रनुं रूपांतरण छे, ई याद राखवानुं छे। एवी ज रीते गाजरनी वात करी, हवे मूळानी वात करीए तो मूळो जे छे ई अहींया कीधुं छे ત્રાંક आकारनो। तो ત્રાંક आकार एटले केवो होय? उपर उपरनी बाजू जे होय त्यांथी थोडुंक सांकड़ुं, નીચેની बाजूथी सांकड़ुं अने वच्चेथी केवो होय? फूलेલું। तो एवी जे रचना बनावी आपणे अहींया उपरथी थोडोक भाग सांकड़ो પછી ફૂલેલો ભાગ અને પછી પાછો સાંકળો ભાગ, આ સાંકળો ભાગ, ફૂલેલો ભાગ અને સાંકળો. તો આવી કંઈક રચના હશે મૂળાની હોય. અને ઉપર તરફ એના પણ પર્ણો છે એ આપણે દર્શાવી દઈએ. તો આવી કંઈક રચના છે એ આપણને શેની જોવા મળે, મૂળાની. એમાં પણ આવા મૂળ જોવા મળશે. ત્યાર પછી ભ્રમર આકાર અથવા ભ્રમિરૂપ. ભ્રમર આકાર એટલે ભમરડા જેવું. આપણે નાના હોય ત્યારે ભમરડાથી કદાચ રહીમાં હોય, બરાબર. તો એ કેવો હોય, ઉપરથી ખૂબ ફૂલેલો અને નીચેથી એનો ભાગ કેવો હોય, સાંકળો હોય. એટલે એ રચના આપણે અહીંયા બનાવીએ. તો ઉપરનો ભાગ એકદમ ફૂલેલો, ખૂબ જ ફૂલેલો આવો, અને અચાનક પાછો શું થઈ જાય, સાંકળો થઈ જાય. તો ફૂલેલો ભાગ, અચાનક દોરી જેવો સાંકળો. તો આવી કંઈક રચના દર્શાવે. થોડુંક ત્રાસું થઈ ગયું. તો બીટ જે છે એ આપણને આવું જોવા મળે. આવી કંઈક રચના હોય. અને ઉપર તરફ એના પણ શું દર્શાવી દઈએ, આપણે પર્ણો દર્શાવી દઈએ. તો આવી કંઈક રચના હશે. અને આજે આપણે બનાવ્યું છે એ શું બનાવ્યું છે, સલગમ અથવા તો બીટ. તો એની અંદર ભ્રમિરૂપ અથવા તો ભ્રમરાકાર એટલે કે ભમરડા જેવી રચના સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ થશે. તો આટલા જે રૂપાંતરણો હતા એ સોટીમય મૂળતંત્રના ખોરાક સંગ્રહ માટેના રૂપાંતરણ હતા. ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખો. હવે પછીનું જે આપેલું છે એ છે શ્વસન માટેનું શ્વસન મૂળતંત્ર. તો શ્વસન મૂળ જે છે એ ક્યાં જોવા મળે, તો કે જે દલદલવાળા વિસ્તારો હશે કે જે કાદવ કીચડવાળા વિસ્તારો હોય ત્યાં જે વનસ્પતિઓ ઉગે છે એમાં આવું જોવા મળે. તો અહીંયા ફરીથી આપણે શું બનાવીએ, જમીનની સપાટી. એ જમીનની સપાટીમાંથી માની લ્યો કે આ વનસ્પતિ છે એનો શું થયો, વિકાસ. વનસ્પતિના સારા એવા પર્ણો આપણે દર્શાવી દઈએ. તો આવી કંઈક રચના આપણે બનાવી. હવે આ જે વિસ્તાર છે એ કેવો છે, કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર, અથવા તો આપણે એવું લખીએ દલદલવાળો અથવા કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર. તો આ કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર હોય એની અંદર જે મુખ્ય મૂળ ઉત્પન્ન થાય આ સોટીમય મૂળ પ્રકારનું મૂળ હોય. આ સોટીમય મૂળ પ્રકારનું મૂળ હશે, બરાબર. તો કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર હોય એટલે વાતાવરણમાં જે કાંઈ હવા હશે એ જમીનની અંદર અથવા તો માટીના કણો હોય એની વચ્ચે જઈ શકે નહીં. એટલે આવી વનસ્પતિના મૂળ છે એનાથી શ્વસન થઈ શકે નહીં. હકીકતમાં વનસ્પતિનું મૂળ શ્વસન કેવી રીતે કરે, તો કે વનસ્પતિનું મૂળ શ્વસન કેવી રીતે કરે, જમીનની નજીકની અહીંયા જે કાંઈ હવા હશે તો એ જમીનના માટીના કણો જે છે એની વચ્ચે વચ્ચે થોડીક જગ્યા હોય અથવા તિરાડો હોય. તો એ હવા એ તિરાડમાં કે જગ્યામાં જ્યારે દાખલ થાય ત્યારે શું થાય, તો કે ત્યારે આ મૂળ જે છે એ એમાંથી હવા અથવા તો એમાંથી ઓક્સિજન છે એને ગ્રહણ કરે અને શ્વસન કરતા હોય. પણ અહીંયા તો શું છે, દલદલવાળો વિસ્તાર છે અથવા તો કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર છે, એટલે આખો ભીનો વિસ્તાર હોય, જમીનની અંદર તિરાડો હોય નહીં, એટલે વાતાવરણમાંથી અથવા હવા જે છે એ જમીનમાં તિરાડો મારફતે દાખલ થઈ શકતી નથી, કારણ કે તિરાડ જ નથી. તો અહીંયા શું થશે, આ મૂળ બિચારા શું થશે, રૂંધાઈ જશે, એટલે કે પૂરતો એને શ્વાસ આવશે નહીં, શ્વસનમાં તકલીફ થવા મળશે, દમ ઘૂંટવા મળશે એનો, એટલે એ શું કરશે તો કે પ્રકાંડ આગળ જશે, એટલે કે અહીંથી જમીનમાંથી તે વાત કરશે, પ્રકાંડને કહેશે પ્રકાંડભાઈ પ્રકાંડભાઈ થોડોક ઓક્સિજન આપો, અમને અહીંયા શ્વાસ લેવામાં શું થાય છે, તકલીફ થાય. એટલે પ્રકાંડ એને શું કહેશે કે ભાઈ અહીંયા મારી પાસે જ એટલા બધા કોષો છે, મારી જ તે રચના એટલી મોટી છે, તો હું પોતે માંડ મારું પૂરું કરું છું અથવા તો મારા કોષોને તો હું માંડ ઓક્સિજન આપું છું, તમને ક્યાંથી દઉં. એટલે આ જે મૂળ જે છે સોટીમય મૂળ, એને ખોટું લાગી જાય કે સારું આપણું ને આપણું પ્રકાંડ છે, આપણે એને અહીંયાથી પાણી આપીએ છીએ, ખનિજ દ્રવ્યો આપીએ છીએ, છતાં એ આપણને ઓક્સિજન દેવાની ના પાડે, એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, પ્રકાંડ આરેના સંબંધો પૂરા. હવે આપણે જઈશું પર્ણ પાસે, એટલે શું છે, આ મૂળ છે સોટીમય મૂળ, એ આ પર્ણોને કહેશે કે પર્ણ હવે મારાથી કાંઈ અહીંયા શ્વાસ લઈ શકાતો નથી, એટલે હે પાનબાઈ થોડોક ઓક્સિજન આપો. એટલે અહીંયા પર્ણો એ શું કહેશે કે ભાઈ અહીંયા અમે જેટલા બધા છીએ, અમારાથી અમારું પૂરું નથી થતું, તો તમને ક્યાંથી દઈએ. એટલે ફરીથી મૂળને એવું થશે કે આપણાને આપણા જ પર્ણો હતા, આપણાને આપણા જ પોષણ મેળવીને, એટલે કે અહીંથી આપણે જ પાણી પહોંચાડ્યું, અહીંથી જ આપણે જ ખનિજ પોષક દ્રવ્યો પહોંચાડ્યા, છતાં આપણને અહીંયા આગળ ઓક્સિજન દેવાની ના પાડે. એટલે આ સોટીમય મૂળ હોય એ બિચારું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, બેસી જાય એક જગ્યાએ ખૂણામાં, દુઃખ લાગી જાય એને, એને એવું થાય છે કે મારા ને મારા લોકો મને ઓક્સિજન આપવાની ના પાડે. એટલે આ સોટીમય મૂળની પાર્શ્વીય શાખાઓ છે એ શું કહેશે, મુખ્ય શાખાને કહેશે કે તમે ચિંતા કરોમાં અમે હજી બેઠા છીએ. એટલે આ પાર્શ્વીય શાખાઓ છે એ અહીંયાથી વિકાસ પામશે બે બાજુ, અને વિકાસ પામી અને એ પોતે ક્યાં જશે, ઉપર તરફ વિકાસ પામે. એટલે અહીંયાથી જમીનની બહાર વહી આવશે, શાખાઓ જે છે એ જમીનની બહાર આવા મૂળ જે છે એનું શું કરે, નિર્માણ કરે. હકીકતમાં મૂળનો વિકાસ ક્યાં થવાનો હોય, ધન ભૂ આવર્તી હોય, ધન જલાનુવર્તી હોય અને ઋણ પ્રકાશાનુવર્તી હોય, પણ આમાં ઊંધું થઈ જાય. આ જે ખાસ પ્રકારના મૂળ જે બન્યા છે, આ લોકોએ જે દગો દીધો અને આણે પોતાની અંદર ફેરફાર કરવા પડ્યા, એ ફેરફારના કારણે આખી એની લાઈફસ્ટાઈલ એને બદલી નાખી. શું કર્યું, ધન ભૂ આવર્તી હતા એની જગ્યાએ ઋણ ભૂ આવર્તી થઈ ગયા, ધન જલાનુવર્તી હતા એની જગ્યાએ ઋણ જલાનુવર્તી થઈ ગયા, અને હોવું જોઈએ ધન ઋણ પ્રકાશાનુવર્તી એની જગ્યાએ થઈ ગયા ધન પ્રકાશાનુવર્તી. એટલે આવા જે મૂળ પાર્શ્વીય રીતે વિકાસ પામે અને જમીનની ઉપર તરફ આવે, આ મૂળ છે એની અંદર નાના નાના શું હોય, છિદ્રો આવેલા હોય. તો આ નાના નાના છિદ્રો, એ છિદ્રોને કહેવામાં આવે શ્વાસ છિદ્રો અથવા વાત છિદ્રો પણ કહેવાય, અને જે મૂળ છે એ મૂળને કહેવામાં આવે શ્વસન મૂળ. તો શ્વસન મૂળ જે છે એ શું કરશે, વાતાવરણમાંથી સીધું આ છિદ્રો દ્વારા શ્વાસ લેશે, એટલે કે ઓક્સિજન મેળવશે. તો આ પ્રકારનું રૂપાંતરણ પણ આપણને ક્યાં જોવા મળશે, સોટીમય મૂળતંત્રનું અને રાઇઝોફોરા અથવા તો મેનગ્રુવ પ્રકારની વનસ્પતિ અથવા દલદલ કે કાદવ કીચડવાળા વિસ્તારમાં ઉગતી વનસ્પતિઓમાં જોવા મળે. હવે આપણે અસ્થાનિક મૂળ છે એના રૂપાંતરણોની વાત કરીએ, તો અસ્થાનિક મૂળમાં પહેલું રૂપાંતરણ આપણે ખોરાક સંગ્રહ માટે જોઈએ. તો એમાંય તે જે સાકંદ અસ્થાનિક મૂળ જોવા મળે, શેમાં જોવા મળે, શક્કરિયામાં. તો એને આપણે અહીંયા શું કામ નથી લીધું, કારણ કે એ આદિ મૂળમાંથી વિકાસ નથી પામતા. એ શેમાંથી મૂળ વિકાસ પામે છે, તો કે આદિ મૂળ સિવાયના ભાગમાંથી. દાખલા તરીકે શક્કરિયાનો વેલો હોય તો જમીનની અંદર શક્કરિયા જે છે એ ઉત્પન્ન થતા હોય. અહીંયા પર્ણો આપણે દર્શાવી દઈએ. આ શક્કરિયાના પર્ણો, અને અહીંયાથી આ માની લો કે જમીનની સપાટી હોય તો જમીનની નીચે તરફ શું ઉત્પન્ન થશે, અનિયમિત આકારના ખોરાક સંગ્રહ કરતા હોય એવા મૂળ. तो आनो कोई आकार फिक्स होतो नथी। आ जे रचना आपणे बनावी छे ए शुं बनावी, शक्करिया के जेनी अंदर खोराकनो संग्रह थतो होय। अमुक मूळ एवा पण होय के जे हजी खोराकनो संग्रह कर्यो नथी, तो आ प्रकारना पण मूळ जोवा मळे। तो आ आदिमूळमांथी विकास नहीं पामता, शेमांथी विकास पामे? प्रकांडना अमुक भागोमांथी विकास पामे, एटले आपणे एने अस्थानिक मूळनी अंदर लखीए छीए। तो टेक्स्टबुक में तमने एवं लखेलू है कि भाई गाजर अने बीट अथवा तो सलगम जेवी वनस्पतिओनी अंदर खोराक संग्रह सोटी मूळ में थाय, एटले के सोटी मूळ अने शक्करिया जेवी वनस्पतिओमां अस्थानिक मूळ नो भाग फूलीने खोराकनो संग्रह करे छे। बस खाली एटलुं आपेलुं छे, पण आपणे एने उदाहरण द्वारा आकृति द्वारा समज्या। हवे छे आधार माटे। तो आधार माटेनुं शेनी अंदर जोवा मळे? वडनी अंदर। वडनी अंदर शुं थतुं होय तो ये आपणे रचना अहींया दोरीए छीए। वडनी अंदर जमीनथी उपरनो जे भाग होय ए मोटी मोटी शाखाओ धरावतो भाग हशे। तो आवो जे भाग होय ए मोटी शाखा धरावतो भाग होय अने जो खूब वधारे शाखाओनो विकास थई जशे तो शाखा केवी थई जशे? भारे। तो पोतानो वजन नो सहन थाय एटला माटे शुं करशे तो के शाखामांथी अहींया आगळ शेनुं निर्माण थशे? मूळ तंत्र विकास पामे अने जमीननी अंदर ई मूळ दाखल थाय। तो जाडा मूळ होय अने जमीननी अंदर दाखल थशे एटले एक थांभला जेवी रचना बनावे, एटले एने स्तंभ मूळ कहेवामां आवे। तो आ शुं छे? वडमां स्तंभ मूळ, जे शुं करे छे? आधार आपवानुं कार्य करे, एटले के आधार माटेनुं काम छे। हवे आवुं ज मूळ आपणे ज्यारे आगळ पण एक वात करी हती, वड जे बात करी थी तो ये शुं हतुं? अस्थानिक मूळ। एटले आ रूपांतरण शेनुं छे? अस्थानिक मूळनुं आधार माटेनुं रूपांतरण। तो वडनी अंदर जे जोवा मळे ए मूळने कहेवाय स्तंभ मूळ, एटले आपणे अहींया लख्युं छे स्तंभ मूळ। आवा प्रकारनुं मूळ एटले स्तंभ मूळ एने कहेवाय, अथवा इंग्लिशमां एने प्रोप रूट पण कहेवामां आवे। त्यार पछी बीजो जे प्रकार छे ए अवलंबन मूळ छे, जे टेक्स्टबुकमां आपणने आपेलुं छे। आवुं शेमां जोवा मळे? एकदळी वनस्पति एटले के मकाई, शेरडी। बे उदाहरण टेक्स्टबुक में आप्या छे, पण केवड़ामां पण आवुं जोवा मळे। आमां शुं थाय तो के ज्यारे प्रकांडनो विकास थाय त्यारे एनी जे नजीक नजीकनी गांठो हशे, आ गांठनो विस्तार एमांथी, केम के प्रकांडनो जमीनथी नजीकनी गांठ जे हशे, बरोबर एवुं याद राखवानुं के आ प्रकांडनो भाग पहेला आपणे जमीननी नीचे जे मूळ होय ए दर्शावी दઈએ। एकदळी वनस्पति छे एटले तंतुमय मूळ प्रकारनुं मूळ तंत्र होय। तो तंतुमय मूळ प्रकार हशे एटले बहु वधारे ए ઊંડે सुधी गया होय नहीं, तो वनस्पतिने बहु वधारे आधार न आपी शके, एटले वनस्पतिने वधाराना मूळनी जरूर पड़े अथवा वधाराना टेकानी के आधारनी जरूर पड़े। एटला माटे शेरडी के मकाई जेवी वनस्पतिओ होय अथवा तो केळा जेवी वनस्पति छे एमां शुं थाय तो के जमीनथी नजीक रहेली प्रकांडनी गांठ होय ए गांठमांथी आवा ત્રાંસા મૂળ ઉત્પન્ન થશે ને જમીનની અંદર દાખલ થાય। તો આવા મૂળ જે છે એ જમીનમાં દાખલ થશે અને શું કરે છે? આધાર આપવાનું કાર્ય કરશે, એટલે એવા મૂળને કહેવામાં આવે અવલંબન મૂળ। આપણે અહીંયા કેવડાની આકૃતિ દોરી છે તો કેવડાના પર્ણો પણ દર્શાવી દઈએ। तो आवुं कंईक केवड़ामां जोवा मळशे। तो आ जे मूळ आपणे साइडमां दर्शावेला छे के जे टेको आपवानुं कार्य करे ई मूळ जे छे ई अवलंबन मूळ जोवा मळे। त्यार पछी आपणे आनी वात करीए। आवुं सोपारीमां जोवा मळे। एक उदाहरण आपणे लखी नाखीए सोपारी। तो काळा मरी, मनी प्लांट, सोपारी आवा बधाईनी अंदर शुं जोवा मळशे? आरोही मूळ जोवा मळे। केवी रीते? तो सोपारी काढी नाखीए अने आकृति अहींया दोरीए। आनी अंदर मानी लो के एक मुख्य प्रकांड आपणे आधार माटेनुं बनावीए। मनी प्लांट बनावीए। तो आ रीते मनी प्लांट होय एनी अंदर अस्थानिक मूल है एटले कि भ्रूण मूळमांथी विकास न पामे पर्णनो जे भाग होय एमां आजूबाजूमांथी थोड़ोक आवो विकास पामतो होय ई शुं करे छे कोईपण बीजो आधार होय एनी साथे वींटळाई जाय एटले ई शुं करशे आधार आपवानुं काम करशे। तो ई शेमां जोवा मळशे तमने तो कि अहीं आगळ आपणे जे बनावी छे मनी प्लांट अने एनी अंदर आ जे मूळ छे ई कया छे आरोही मूळ। एवी ज रीते हवे छेल्लो जे रूपांतरण है रचेलो प्रकार है मूळनो ये चूषक मूळ अथवा तो परोपजीवी मूळ एने कहेवाय। ई पण अस्थानिक मूळनुं शुं छे एक प्रकारनुं रूपांतरण एवं आपणे शेमां जोवा मळे अमरवेलमां अथवा तो वांदो जेवी वनस्पतिमां एमां शुं होय तो कि यजमान वनस्पति जे होय एटले कि जेमांथी पोषण मेळववानी छे ई। तो आपणे अहींया यजमान वनस्पति बनावीए आज बनावी छे शुं छे यजमान वनस्पतिनुं प्रकांड। हवे उपरनो भाग आपणे चलो शुं काम नथी दर्शावता दर्शावी दईए। आवी रीते दर्शाव्यो। हवे आ अमरवेल केवी वनस्पति छे केवो वेलो होय परोपजीवी छे पोते अन्य वनस्पति उपर आधार राखे एटले ई शुं करशे तो कि आ जे वनस्पति साथे ई वीटळाईने उगे छे આવી રીતે ઉગી હોય અને અમરવેલના આપણે પર્ણો દર્શાવીએ। આ થોડાક પર્ણો આપણે અમરવેલના દર્શાવીએ અને એમાંથી શું થશે તો કે મૂળ ઉત્પન્ન થશે અને એ મૂળ આના પ્રકાંડની અંદર યજમાન વનસ્પતિ છે એના પ્રકાંડની અંદર શું થઈ જાય દાખલ થઈ જાય એટલે કે એની અંદર ઘૂસી જાય અને એમાંથી પછી એની જે વાહક પેશીઓ હોય એમાંથી શું કરશે પોષણ મેળવશે। એટલે આ જે મૂળ ઉત્પન્ન થયા એ કેવા છે ચૂષક પ્રકારના ચૂષક મૂળ અથવા તો પરોપજીવી મૂળ એને કહેવાય કારણ કે એ શું કરે છે જે યજમાન વનસ્પતિ હોય એ યજમાન વનસ્પતિમાંથી પોષણ ચૂસી લે અથવા તો જે પોષક પદાર્થો હોય જરૂરી પદાર્થો હોય એને ચૂસી લે એટલે કે એનું શોષણ કરી લે એટલે ચૂષક મૂળ પણ એને કહેવાય। આ જે વનસ્પતિ આપણે દોરી છે એ કઈ છે યજમાન વનસ્પતિ। તો અહીંયા આગળ આપણે જે કાંઈ જોયું બરાબર આ બધું શું હતું મૂળના રૂપાંતરણો। તો મુખ્ય પહેલાં તો શું યાદ રાખવાનું છે આમાં મૂળ જે છે એ પોતાના અંદર એક તો મેઇન એનું જે કાર્ય છે પાણીનું શોષણ કરવાનું અને દ્રવ્ય પદાર્થો જે હોય અથવા તો પોષક દ્રવ્યો હોય એનું શોષણ કરવાનું પણ એ કામને પડતા મૂકે અને વધારાના એ કામ કરે ઓલા પડતા તો ન મૂકે એ કામ એ કરે જ છે પણ સાથે સાથે અન્ય વધારાના કામ પણ કરે એટલે એના માટે એ શું કરે છે રૂપાંતરણ દર્શાવે। કેવા કેવા રૂપાંતરણ દર્શાવશે તો કે ખોરાક સંગ્રહ કરવા માટે રૂપાંતરણ દર્શાવશે આધાર માટે શ્વસન માટે અને પોષણ માટેના રૂપાંતરણ દર્શાવે। એમાં बे प्रकारना मूलतंत्र आपणे मुख्य याद राखवाना छे एक सोटीमय मूलतंत्र अने अस्थानिक मूलतंत्र। एमां सोटीमय मूलतंत्र छे एना केवा केवा रूपांतरण छे तो के खोराक संग्रह माटेना अने श्वसन माटेना। खोराक संग्रह शेमां थाय गाजरमां मूळामां अने सलगममां। आ बधायनी अंदर फेर शुं छे तो के गाजरनी अंदर खोराक संग्रह शंकु आकारे थाय मूळानी अंदर ત્રાંક આકારે थाय बीट अथवा तो सलगमनी अंदर भ्रमर आकार एटले के भमरडा जेवा आकारे ખોરાકનો સંગ્રહ થશે। પછી શ્વસન માટે સોટીમય મૂળતંત્રનું રૂપાંતરણ શું છે તો કે એની અંદર રાઇઝોફોરા જેવી વનસ્પતિ એટલે કે જે દલદલ કે કાદવ કીચડવાળા વિસ્તારોમાં ઉગતી વનસ્પતિઓ છે એના મૂળને પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન નથી મળતો એટલે ઓક્સિજન મેળવવા માટે એ ઋણ ભૂઆવર્તી ઋણ જલાનુવર્તી અને ધન પ્રકાશાનુવર્તી મૂળ જે છે એનો વિકાસ કરશે એટલે કે ઉપરની તરફ લંબ દિશામાં વૃદ્ધિ પામતા હોય એવા મૂળ જમીનની બહાર નિકાલ પામે એટલે કે વિકાસ પામશે। એ મૂળ જે છે એને શ્વસન મૂળ કહેવાય। એની અંદર આવેલા હોય શ્વાસ છિદ્રો એટલે કે સૂક્ષ્મ નાના નાના છિદ્રો આવેલા હોય એના દ્વારા હવા એની અંદર દાખલ થાય ને એમાંથી ઓક્સિજન મેળવશે એટલે કે શ્વસન કરે। શ્વસનમાં મદદ કરતું હોય એવું સોટીમય મૂળતંત્રનું ઉદાહરણ થયું। ત્યાર પછી અસ્થાનિક મૂળતંત્ર છે એની અંદર કેવા કેવા રૂપાંતરણો જોવા મળે તો એની અંદર પહેલું ખોરાક સંગ્રહ માટે આ પ્રકાર નથી આપ્યો તમને ખાલી એવું કીધું છે કે સક્કરિયાની અંદર ખોરાક સંગ્રહ છે એ અસ્થાનિક મૂળમાં થાય પણ એ પ્રકારને શું કહેવાય એ પ્રકારના મૂળને શું કહેવાય સાકંદ અસ્થાનિક મૂળ। तो ये अस्थानिक मूळ है जमीननी अंदर अनियमित आकारे खोराकनो संग्रह एमां थाय। त्यार पछी जो आ बधायनी अंदर आकार फिक्स है, गाजर में शंकु आकार, आमां ત્રાંક आकार अने आमां भ्रमड़ आकार अथवा तो भ्रमर आकार, पण शक्करियामां कोई आकार फिक्स होतो नथी एटले के कोई अनियमित आकारे खोराकनो संग्रह थशे। पछी आधार माटेना रूपांतरण अस्थानिक मूळना जोईए तो पहेलुं छे स्तंभ मूळ जे वडमां जोवा मळे, एटले के वडनी जे वडवाई छे ए थांभला जेवी टेको आपवानुं कार्य करे, एटले आधार माटेनुं रूपांतरण थयुं एने कहेवाय स्तंभ मूळ अथवा तो प्रोप रूट पण कहेवाय। एवी ज रीते बीजुं जे छे ए छे अवलंबन मूळ। एवं तमने एक दळी वनस्पति एटले के शेरडी मकाई जेवी वनस्पति में अथवा केवड़ा जेवी वनस्पति में जोवा मळे। ए उत्पन्न केवी रीते थाय एनुं स्थान खास याद राखवानुं के जमीननी नजीक आवेली प्रकांडनी गांठमांथी, एटले के प्रकांडनी अंदर जे नीचे तरफ आवेली जे गांठ होय एमांथी विकास पामे। त्यार पछी आ टेक्स्टबुक में आपेलुं नथी पण आरोही मूळ आवुं शेमां जोवा मळशे आपणे काळा मरी होय एमां अथवा तो मनी प्लांट एटले के अडूनी वेल होय एमां जोवा मळे। एमां पर्ण अने एनी आजुबाजुना विस्तारमांथी अस्थानिक मूळ उत्पन्न थशे अने आरोहणनी क्रियामां मदद करे, एटले आरोही मूळ तरीके ओळखवामां आवे। त्यार पछी अस्थानिक मूळनुं ज हजी एक रूपांतरण जे पोषण माटेनुं छे, वनस्पति पोताना पोषण माटे आवा मूळ विकसावे ए शुं करे छे, एवा मूळने कहेवाय चूषक मूळ अथवा तो परोपजीवी मूळ पण एने कहेवामां आवे। आ मूळ शेमां जोवा मळे अमरवेल अने वांदो जेवी वनस्पतिमां। ई यजमान वनस्पतिमां पोताना मूळ जे छे एने खूंचाड़ी दे अने एनी वाहक पेशीओमांथी पोषक पदार्थोनुं शुं करे छे शोषण करे, एटले यजमान वनस्पतिमांथी पोषण मेळववा माटे जे मूळ विकास पामे ई चूषक मूळ एने कहेवाय। तो आवा वनस्पतिओनी अंदर मूळना रूपांतरणो जोवा मळे। तो अहीं आगळ आपणे मोटा भागे मूळनी तमाम रचना विषे, एना प्रकार विषे अने एना रूपांतरणो विषे, एना अलग अलग विस्तारों विशेनी माहिती पूरी करी। हवे पछी आपणे प्रकांड एटले के आखी वनस्पतिनो अभ्यास करवानो छे, एमांथी मूळ पूरुं कर्युं। हवे आपणे प्रकांड विषे आगळ चर्चा करशुं। हवे आपणे वात करवानी छे प्रकांड विषे। तो प्रकांडनी अंदर वनस्पतिनुं एक महत्वनुं बीजुं अंग, बराबर आपणे मूळनी वात करी तो जेम मूळ अगत्यनुं छे एवी ज रीते प्रकांड जे छे ए पण खूब अगत्यनो भाग छे वनस्पति माटे। तो प्रकांडनी रचना पहेला तो केवी रीते होय ए आपणे समजीए। तो प्रकांड जो मूळमां आपणे वात करी हती ए जमीननी दिशामां वृद्धि पामे, एटले के धन भूआवर्ती होय। पाणीनी दिशामां वृद्धि पामे एटले के धन जलानुवर्ती होय। पण सूर्यप्रकाशनी विरुद्ध दिशामां वृद्धि पामे एटले आपणे शुं कीधुं तू ऋण प्रकाशानुवर्ती होय। अहींया आगळ आ जे प्रकांड छे ए केवुं हशे तो के सूर्यप्रकाशनी दिशामां वृद्धि पामे एटले के धन भूआवर्ती, पाणीनी विरुद्ध दिशामां अने जमीननी विरुद्ध दिशामां एटले के ऋण जलानुवर्ती अने ऋण भूआवर्ती विकास दर्शावे। तो केवो विकास हशे भाई? धन भूआवर्ती, ऋण जलानुवर्ती अने ऋण भूआवर्ती विकास दर्शावे। हवे जेम आपणे आगळ वात करी हती मूळनो विकास केवी रीते थाय एम प्रकांडनो विकास जोईए। ई पहेला आपणे प्रकांड शुं काम होय वनस्पतिमां, तो प्रकांड उपर शुं आवेलुं होय? प्रकांड पर शाखा, पुष्प, पर्ण, फळ वगैरे आवेलुं होय छे। अथवा तो आपणे एवुं लखी शकीए के भाई प्रकांड ई शाखा, पुष्प, पर्ण, फल आवी बधी वस्तुओ धरावे। हवे एनो विकास केवी रीते थाय ई आपणे समजीए। तो मानी ल्यो आ जमीननी सपाटी छे अने जमीननी सपाटीनी नीचे ज्यारे आपणे कोई एक बीज छे ए बीजने ज्यारे वावीए, आ शुं छे? बीज। आ बीज ज्यारे अंकुरण पामे, अंकुरित बीज। तो बीज ज्यारे अंकुरण पामे छे त्यारे शुं थाय? तो के एक उपर तरफ आवी एक रचना એનો વિકાસ થાય અને નીચે તરફ આવી એક રચનાનું નિર્માણ થાય। જે ઉપર તરફ બને છે એને શું કહેવાય? પ્રાંકુર કહેવાય, પ્રાંકુર अथवा तो भ्रूणाग्र। अने जे नीचे तरफ विकास पामे आने कहवाय भ्रूण मूल अथवा तो आदि मूल। तो भ्रूण मूल अथवा आदि मूल कहवाय। तो प्रकारनो विकास एमांथी थशे। जो आगळ आपणे भणी गया के भाई भ्रूण मूल के आदि मूल होय एमांथी मूल तंत्रोनो विकास थाय अने पछी मूल तंत्रना प्रकारो आपणे जोया हता। हवे अहींया आगळ आपणे प्रकांड भणीए छीए एटले आ भ्रूणाग्र अथवा तो प्रांकुर होय, प्रांकुरमांथी प्रकांडनो विकास थाय एनी आपणे चर्चा करीए। तो शुं थशे अहींया प्रकांड जे छे एनो विकास थाय। जमीननी उपर तरफ भाग ए विकास पामे आवो कंईक भाग प्रकांडनो छे ए विकास पामशे। तो जे भाग प्रकांडनो छे आ उपर तरफनो हवाई भाग होय, बरोबर, हवामां अथवा तो जमीननी सपाटीनी उपर आवेलो भाग। हवे अहींया आगळ अमुक अमुक अंतरे शुं थशे? तो के त्यांथी पर्णनो उद्भव थाय अथवा तो पर्णनुं निर्माण थशे। एटले अहींया हमणां आपणे पर्ण दोरशुं। तो एवो भाग के ज्यांथी पर्ण उत्पन्न थाय ए भागने कहेवामां आवे गांठ। शुं कहेवाशे एने? गांठ कहेवाय। तो अहींया पण गांठ छे, अहींया छे गांठ, आ छे अहींया पर गांठ है, अहींया बधे गांठ आवेली होय। अने गांठना विस्तारमांथी शुं उत्पन्न थशे? पर्ण उत्पन्न थाय। आवी रीते पर्ण जे छे ई गांठना विस्तारमांथी उद्भव पामती रचना है। आवी रीते तो हवे प्रकांडनो जे भाग के ज्यांथी पर्णनो उद्भव थाय भागने कहेवाय गांठ। अने जे पर्ण उद्भव्युं एटले के आ मुख्य अक्ष अने आ पर्ण ए बेनी वच्चे जे खूणो बने आ खूणाने कहेवाय कक्ष। अने ए कक्षनी अंदर शुं आवेली होय? कलिकाओ आवेली होय। तो आवी बधी कलिकाओने शुं कहेवाशे? कक्ष कलिका कहेवाय। अमुक वखत ज्यां आगळ पर्ण न होय अथवा तो कक्षनुं निर्माण न थतुं होय एवो जे भाग होय त्यां पण शुं जोवा मळे आपणने? तो के एवी गांठना विस्तारमांथी पण कलिका उत्पन्न थती जोवा मळे। तो आवी पण कलिका होय। अमुक कलिकाओ छे ए आपणने आम अग्र भागे पण जोवा मळे जे वनस्पतिनी अंदर नवा पुष्पनुं के शाखानुं निर्माण करी शके। तो आ बधी कलिकाओ आपणे दर्शावी। पछी बीजुं शुं जोवा मळे? तो के एनी अंदर पुष्प जे छे एनुं निर्माण थयेलुं आपणे जोवा मळे। एक पर्ण छे ए हजी अहींया दर्शावी दઈએ। बीजू शू हो? पुष्प हे। तो ये पुष्प अपने अहीं दर्शाए। आकृति आप आगे भणी गया छे, प्रकांडनी रचना भणवा माटे आपणे एने फरीथी जोईए छे। अत्यारे बीजू शू आवेलू हशे? कलिकाओ अने फळ। फळ पण आपणे दर्शावीए। तो आ फल दर्शाव्युं। तो आ कंईक रचना है ये प्रकांड ने आपने जोवा मळे। टेक्स्टबुक में आ प्रकार की रचना पण आपने आपेली है। तो नाम निर्देशन करी दईए आ शुं छे गांठ, आ जे भाग है ई पर्ण, आ जे कलिका है ई कलिका ने कहेवाय कक्ष कलिका। एवी ज रीते बे गांठ वच्चेनो जे विस्तार है आटलो विस्तार एने कहेवाय आंतर गांठ। आ पण कक्ष कलिका थई। आ छे पुष्प, आ जे भाग है ई छे फळ, आ कलिका जे छे ई अग्र कलिका। एवी ज रीते आ जे कलिका छे ई छे अस्थानिक कलिका। हवे अस्थानिक कलिका शुं छे हमणां आपणे वात करीए। अने आ जे भाग थई गयो ए शुं थई गयो प्रकांड। अने आखी जे रचना बने एने कहेवाय प्ररोह तंत्र अथवा तो प्रकांड तंत्र कहेवामां आवे। तो आटली रचना जे छे ए आपणे प्रकांड उपर जोवा मळे। एमां नीचे जमीननी अंदर शुं होय मूळ तंत्र होय, एटले ई मूळ तंत्रनी रचना आपणे आगळ भणी गया। हवे आपणे आखी प्रकांड तंत्र छे एना विशे वात करशुं। ई पहिला आपणे एवुं कीधुं के भाई अंकुरित बीज होय, अंकुरित बीजना प्रांकुरमांथी प्रकांडनुं शुं थशे निर्माण थाय। तो ए आपणे लखी नाखीए अहींया अंकुरित बीजना प्रांकुर अथवा तो एने शुं कहेवामां आवे भ्रूणाग्र। भ्रूणाग्र मांथी प्रकांडनो विकास थाय। तो प्रकांडनो विकास एमांथी थशे अंकुरित बीज जे होय एना प्रांकुर के भ्रूणाग्रमांथी विकास थशे। वनस्पतिना अक्षनो केवो भाग छे आ, तो के वनस्पतिना अक्षनो ऊर्ध्वगामी भाग। एटले अहींया आपणे एवुं लखी नाखीए के प्रकांड पर शाखा, पुष्प, पर्ण, फळ वगैरे आवेलुं होय। पण एना करता आपणे बीजी एवी लाइन लखी नाखीए एनी जग्याए के प्रकांड एटले शुं। तो प्रकांड एटले शाखा, पुष्प, फळ अने पर्ण धरावतो मुख्य अक्षनो ऊर्ध्वगामी भाग। ऊर्ध्वगामी एटले के आम ऊपर तरफ विकास पामतो होय एवो भाग। अने केवो छे तो के शाखा धरावे, पुष्प धरावे, फळ धरावे, पर्ण धरावे एवो। कलिकानी बधुं लखी शकाय पण आपणे बधुं लखता नथी। तो ई मुख्य अक्षनो ऊर्ध्वगामी एटले के ऊपर तरफ विकास पामतो एवो भाग एटले शुं कहेवाशे एने प्रकांड तरीके ओळखवामां आवे। हवे आपणे शुं वात करशुं तो के हवे प्रकांडनी विशे आपणे जे रचनाओ अहींया जोई। गांठ, आंतरगांठ कोने कहेवाय ई, एटले ई माहिती अहींया लखी नाखीए के प्रकांड उपर शुं आवेलुं होय। प्रकांड उपर गांठ अने आंतरगांठ आवेली होय छे। हवे आ गांठ कोने कहेवाय तो के प्रकांडना जे विस्तार अथवा तो जे भागमांथी पर्णनुं निर्माण थाय ते भागने शुं कहेवाशे गांठ कहे छे। एटले के वनस्पतिनो एवो भाग के ज्यांथी पर्णनुं निर्माण थाय तो ई भागने शुं कहेवाय गांठ कहेवामां आवे। हवे आगळ लखे के आ बे गांठ होय तो बे गांठ वच्चेनो जे विस्तार होय एने शुं कहेवाय। आ बे गांठ वच्चेनो विस्तार तो एने आंतरगांठ कहेवामां आवे। बे गांठ वच्चेना विस्तारने आंतरगांठ कहे छे। तो आंतरगांठ एटले शुं? बे क्रमिक गांठ वच्चेनो प्रकांड उपरनो भाग एने आंतरगांठ कहेवाय। बीजू आपणे लखीए प्रकांड उपर बीजू शुं आवेलुं होय तो के आवी कलिकाओ आवेली होय एटले के प्रकांड पर कलिकाओ आवेली होय छे। तो प्रकांड उपर शुं आवेली हशे? कलिका आवे। हवे आ कलिकाओ छे घणा बधा प्रकारनी होय, जेम आपणे अहींया दर्शाव्युं अग्रकलिका छे, अस्थानिक कलिकाओ छे अथवा तो कक्षक कलिकाओ छे। आवा घणा प्रकार छे, पुष्पीय कलिकाओ होय, पछी अमुक जे छे ई प्रपुष्प कलिकाओ होय। तो आवी बधी कलिका पण जे मुख्य एना प्रकार छे ई आपणे टेक्स्टबुकमां बी आप्या छे, पण हकीकतमां एनी अंदर कलिका जे छे एना प्रकार आपने जे रीते आप्या छे एमां बे ज आप्युं छे, एक अग्रकलिका अने बीजुं शुं आप्युं छे कक्षकलिका। पण ई केवी रीते होय एना प्रकार ई आपणे समजीए, एटले के केवी कलिकाओ आवेली होय। एक तो आवेली होय अग्रकलिका अने बीजी आवेली होय पार्श्वीय कलिका। तो आ बेमां शुं फेर? अग्रकलिका अने पार्श्वीय कलिका, आ बेमां शुं फेर छे ई आपणे समजीए। अग्रकलिका कोने कहेवाय? तो के प्रकांडनी अंदर जे अग्रभागे उपर तरफ टोचना भागे आवेली होय अथवा तो प्ररोहतंत्रना अग्रभागे एटले के परोहाग्रमा आवेली होय। तो ई आपणे अहींया लखीए के अग्रकलिका शुं छे? प्रकांडना अग्र भागे एटले के प्ररोहाग्रना भागे उत्पन्न थाय अथवा तो उद्भवे, बराबर। तो एनो उद्भव क्यां थशे? प्रकांडना अग्र भागे थाय। हवे एवी ज रीते पार्श्वीय कलिका छे, तो ई पार्श्वीय कलिका एटले के आ मुख्य अक्ष होय ई मुख्य अक्षनी बंने साइडमां एटले के पार्श्व बाजुए उत्पन्न थाय। तो ये पार्श्वीय कलिकाना केटला प्रकार छे? बे प्रकार। जो कि घणा प्रकार छे पण आपणे अहींया समजवा माटे बे प्रकार लखीए, बहु वधारे आपणे डिटेलमां आवतुं नथी। तो ई पार्श्वीय कलिका छे एमां एक आवशे जे अहींया आपणे दर्शावेली छे कक्षकलिका। कक्षकलिका अने बीजी आपणे दर्शावेली छे ई अस्थानिक कलिका। आ अस्थानिक कलिका ने आगंतुक कलिका पण कहेवाय। तो हवे अस्थानिक कलिका अने कक्षकलिका शुं छे एनी आपणे वात करीए। तो कक्षकलिकानी वात करीए तो हमणां जे आपणे कीधुं के मानी लो कि आ शू है वनस्पतिनी मुख्य अक्ष जे, बराबर। वनस्पतिनी मुख्य अक्ष उपर जे साइड में उत्पन्न थाय अथवा तो आ मुख्य अक्ष अने आ शू है पर्ण। तो मुख्य अक्ष अने पर्ण आ बेनी वच्चे जे अहींया खूणो बने छे ई खूणा ने शू कहेवाय? कक्ष कहेवामां आवे। एटले आ खूणा ने कक्ष कहेवाय। अहींया आगळ आ वनस्पतिनुं मुख्य अक्ष, आ एनुं पर्ण अने एनी वच्चे जे खूणो बने एटले के आ खूणो, आ खूणा ने शू कहेवाय? कक्ष कहेवामां आवे। अने कक्ष में उत्पन्न थती होय ई कलिका ने कहेवाय कक्षकलिका। एटले अहींया लखीए आपणे के ई क्यां उत्पन्न थाय? तो के प्रकांडना मुख्य अक्ष अने पर्ण वच्चे बनता खूणा एटले के कक्ष में उद्भवे। तो कक्ष में उद्भवे एवी कलिका ने कहेवाय कक्ष कलिका। एवी ज रीते हवे एवी कलिका के जे वनस्पतिना अग्रभाग एटले के परोहाग्र उपर ही नहीं उत्पन्न थती, अने कलिका के जे प्रकांडना खूणा एटले के जे कक्ष होय एमांय उत्पन्न थती ई सिवायनी जे कलिका होय एने शुं कहेवाय अस्थानिक कलिका। तो ए प्रकांडमां बीजे कोई पण जग्याए आवी शके अथवा तो पुष्पना जे भाग होय एनी पुष्प विन्यास होय त्यां आगळ ए उत्पन्न थई शके। अमुक अपवाद रूपे वनस्पतिओना मूळनी अंदर पण उत्पन्न थती जोवा मळे। तो आवी जे कलिका छे एने शुं कहेवाय अस्थानिक कलिका। एटले आपणे लखी नाखीए अहींया के प्रकांडना अग्रभाग अने प्रकांडना अग्रभाग अने कक्ष सिवायना विस्तारमां उद्भवती कलिका। तो एवी जे कलिका छे एने शुं कहेवाशे अस्थानिक कलिका कहेवामां आवे। तो शू जो आपणे के भाई प्रकांड शू है तो कि वनस्पति एक खूबज अगत्यनो भाग है ई धन भू आवर्ती होय एटले के भूमिनी विरुद्ध दिशा में ऋण जलन सॉरी धन भू आवर्ती आपणे खोटू लखी छे ने धन भू आवर्ती न आवे केवुं आवशे धन प्रकाशानुवर्ती बराबर आपणे समझ्या था धन प्रकाशानुवर्ती पण अहींया धन भू आवर्ती अने ऋण भू आवर्ती लखी नाख्युं छे। तो अहींया शुं आवशे धन प्रकाशानुवर्ती एटले के सूर्य प्रकाशनी दिशा में। तो धन प्रकाशानुवर्ती होय ऋण जलानुवर्ती होय एटले के जमीननी विरुद्ध दिशा में पाणीनी विरुद्ध दिशा में अने ऋण भू आवर्ती एटले के जमीननी विरुद्ध दिशा में उत्पन्न थाय। पछी तो के प्रकांड शुं छे तो के शाखा पुष्प फल अने पर्ण धरावतो होय एवो मुख्य अक्षनो ऊर्ध्वगामी एटले के ऊपर तरफ विकास पामतो होय एवो भाग छे। एनुं निर्माण शेमांथी थशे तो के अंकुरित बीज होय ई अंकुरित बीजना प्रांकुरमांथी एटले के बीजनुं ज्यारे अंकुरण थाय त्यारे प्रांकुरनुं निर्माण थाय अने ई प्रांकुरमांथी शेनो विकास थशे प्रकांडनो विकास थाय अथवा तो प्रकांड छे एनुं निर्माण थशे। बीजुं आ प्रकांड उपर शुं आवेलुं होय तो के गांठ आवेली होय अने बे गांठ वच्चे शुं आवेलुं हशे आंतरगांठ आवेली होय अथवा बे गांठ वच्चेना विस्तारने आंतरगांठ कहेवाय। बीजुं आनी उपर कलिकाओ आवेली होय। हवे ई कलिकाओ केटला प्रकारनी छे तो के बे प्रकारनी होय एक अग्र कलिका अने एक पार्श्वीय कलिका। अग्र भागे अथवा तो परोहाग्र उपर आवेली जे कलिका छे एने अग्र कलिका कहेवाय अने पार्श्वीय कलिका छे एना बे प्रकार। कया बे प्रकार एक कक्ष कलिका एटले के प्रकांडनी मुख्य अक्ष अने पर्ण एनी वच्चे जे खूणो बने त्यां आगळ जे कलिका जोवा मळे ई कक्ष कलिका अने एक आवे छे अस्थानिक कलिका एटले के कक्ष अने अग्र कलिका सिवायना अथवा तो अग्रभाग सिवायना विस्तार में जो कलिकानुं निर्माण थाय एने आपणे शुं कहीशुं अस्थानिक कलिका कहीशुं। हजी एक पॉइंट अहींया आपणे जोई लईए कि प्रकांड जे छे ई मोटा भागे बे अवस्थाए एनी आपणने जोवा मळे। प्रकांड जो आ प्रकांड तरुण होय तरुण अवस्था एटले के हजी वनस्पति ना बीजनुं शुं थे अंकुरण थयुं होय भ्रूणाग्रमांथी प्रकांडनो विकास थयो होय ने जमीननी बहार प्रकांड आवे छे त्यारे शरूआतना तबक्कामां ई केवुं हशे लीला रंगनुं। शुं काम लीला रंगनुं होय कारण के ज्यारे प्रकांडनो विकास थाय जे जमीननी बहार प्रकांड आवे त्यारे शरूआतमां एनी अंदर पूरता प्रमाणमां पर्णो छे ए उद्भव थयेला होय नहीं एटले पूरता प्रमाणमां प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया अहींया आगळ थाती नथी। एटले ज्यारे कूमळो प्रकांड होय त्यारे प्रकाश संश्लेषण पूरता प्रमाणमां न थाय तो पछी वनस्पतिनो विकास थाय नहीं। एटला माटे प्रकांड पोते केवुं हशे तो के प्रकांड होय एनुं उपरनुं स्तर आपणे लीला रंगनुं देखातुं होय एटले के एनी अंदर ए रंजक द्रव्यो होय। एटले शरूआतमां जे तरुण प्रकांड होय कूमळू प्रकांड होय ई पण प्रकाश संश्लेषण करे एटले के ई लीला रंगनुं एटला माटे हशे। पछी जेम जेम वनस्पतिनो विकास थतो जाय एटले विकसित प्रकांड ई केवुं होय ज्यारे तरुण होय त्यारे तो लीलुं हशे ज पण विकसित प्रकांड होय आ विकसित प्रकांड केवुं जोवा मळे तो के काष्ठमय अथवा तो काष्ठीय अने घेरा कथाई रंगनुं जोवा मळे। तो काष्ठमय एटले के मजबूत होय लाकड़ा जेवुं होय आ केवुं हशे कूमळुं होय वळी शके एवुं। ज्यारे अहींया आगळ विकसित थई जाय काष्ठमय बनशे अने ई केवुं थई जशे घेरा કથાઈ રંગનું બની જાય, લીલા રંગનું રહે નહીં, કારણ કે પૂરતા પ્રમાણમાં પર્ણો ઉગી ગયા હોય એની અંદર. એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ હવે માત્ર કોણ કરશે? પર્ણો કરશે. પ્રકાંડને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવાની જરૂર પડે નહીં. તો એટલા માટે પ્રકાંડ જે છે એ તરુણ અવસ્થામાં લીલા રંગનું અને मोटा भागे विकसित अवस्था विकसित थी जाए त्यारे काष्टमय के घेरा कथई रंगनु बनी जातु होय. तो आ आपणे शुं वात करी? प्रकांडनी वात करी. हवे आपणे प्रकांडना प्रकार केवा केवा छे एना विषे पहला बात करशुं अने पछी प्रकांडना रूपांतरणों केवा होय एना विषे चर्चा करीए.